जेक्यूरी पे जो इसके मेजर फंक्शनैलिटी को समझने से पहले हम सबसे पहले जेक्यूरी के जो इवेंट्स हैं, जेक्यूरी का जो इवेंट मॉडल है, हम उसको थोड़ा देख लें, क्योंकि हम जितना जेक्यूरी का काम है किसी इवेंट पे ही करेंगे। क्लिक, माउस ओवर, इस तरह के डिफरेंट किस्म की इवेंट है जिनके ऊपर हम ये काम करेंगे। सो असल में इवेंट क्या चीज़ है? इवेंट्स आर यूज़र एक्शंस ऑन अ वेब पेज दैट अ वेब पेज कैन रिस्पॉन्ड टू। वो यूज़र एक्शन है, ये वो एक्शन है जो कोई यूज़र वेब पेज पे परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने माउस मूव किया, माउस क्लिक किया, डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ टाइपिंग स्टार्ट अगर कर दी, ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे जो है इवेंट्स कहलाते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए जेक्यूरी के अंदर हमारे पास इवेंट्स की डिफरेंट चार किस्म की टाइप है। कुछ हम कहेंगे जी माउस इवेंट है, कुछ कीबोर्ड इवेंट हैं, कुछ हमारे फॉर्म इवेंट हैं, और कुछ हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट इवेंट है। एक्सक्यूज मी। सो ये हमारे डिफरेंट टाइप के कुछ इवेंट्स हैं जिनको हम जो है वो देखेंगे किस तरह ये काम करते हैं। इसके लिए आपको जो है अगर थोड़ी सी लिस्ट देखी जाए तो उस हिसाब से माउस के जो इवेंट है उसके अंदर आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। माउस के जो इवेंट्स हैं इसके अंदर आप कह सकते हैं क्लिक, डीबीएल क्लिक, ये होगा डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव, ठीक है। फिर कुछ इवेंट अगर हम कीबोर्ड के देखें तो की प्रेस, की डाउन, की अप, ऐसे हमारे पास कुछ फॉर्म के इवेंट्स हैं। फॉर्म के इवेंट्स हमारे पास हैं सबमिट है, चेंज है फॉर्म के अंदर, फोकस है, ब्लर है, ये कुछ फॉर्म के इवेंट्स हैं। इसी तरह लोड, रीसाइज, स्क्रॉल, अनलोड, ये कुछ हमारे डॉक्यूमेंट के इवेंट हैं। वैसे तो आपको नामों से इसकी समझ आ चुकी होगी कि ये इवेंट्स क्या करते हैं, तो इनको आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे इन इवेंट्स को, और इनमें से हम कुछ इवेंट्स के ऊपर काम करेंगे और देखते हैं अभी हम ये इवेंट्स किस तरह हम इनके ऊपर राइट नाउ कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं। तो बेसिक जो है हमारा जो फर्स्ट इवेंट है वो हमारा क्लिक का इवेंट है। तो जेक्यूरी के अंदर टू वेज हैं क्लिक के इवेंट के ऊपर काम करने के लिए, किसी भी इवेंट पे इनफेक्ट काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अब सबसे पहले लेके आता हूँ एक बटन, यहाँ पे ऐड करते हैं, बटन ऐड करता हूँ मैं। इसका कोई आईडी देते हैं, आईडी इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल BTN देते हैं। तो इसके क्लिक इसका यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो मैं कहता हूँ जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड हो जाए मैं इसको एक इवेंट असाइन करना चाहता हूँ कि क्लिक के ऊपर कुछ अलर्ट दे दे। तो वो होगा हमारे पास डॉलर साइन दिस वन, ये इसका आईडी ऐसे गेट करेंगे, बटन डॉट क्लिक, इसके अंदर है हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलर्ट हेलो, इसको चेक करें, ये आपके पास इवेंट कॉल हो चुका है, ठीक है जी, ये आपके इवेंट्स हैं। इसी तरह डबल क्लिक, इसी तरह आपके पास डिफरेंट बाकी इवेंट्स हैं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट हमारे पास जो APIs हैं उसमें जो रिकमेंडेड वे वो ये है कि आप क्लिक की बजाय आप एक फंक्शन यूज़ करें ऑन का, ऑन, और यहाँ पे पहला आर्गुमेंट दे दें वो वाला इवेंट, एंड दूसरा आर्गुमेंट आप दें कॉल बैक फंक्शन दैट इज़ जो आप इस क्लिक के ऊपर करवाना चाहते हैं। तो ये एक कॉल बैक फंक्शन है। अब अगर देखिए अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो वो तो सिंटेक्स के अंदर ही जो है ना वो मैसअप हो जाएगा। तो ये हमारा, अब आपको हम उसके अंदर नहीं गए, हमें ये चीज़ें सब बहुत डिटेल में की हैं, इसलिए हमें आइडिया है कि ये कौन सी चीज़ है। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है जो कि जब भी क्लिक होगा इस, ये एक फंक्शन है, ये हायर ऑर्डर फंक्शन है ऑन का फंक्शन, और उसको दो आर्गूमेंट जा रहे हैं, एक क्लिक जा रहा है और एक कॉल बैक जो है वो फंक्शन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लिक जैसे क्लिक होगा क्लिक के बाद आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्लिक करने के बाद। सो ये एक वे है, आप ऑन डबल क्लिक कर सकते हैं और ऑन माउस ओवर कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे इवेंट्स हैं जो कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, क्लिक किया, यस इट इज़ वर्किंग। सो ये हमारा बेसिक फंक्शन है। सो आगे अब जाके अब देखते हैं फर्दर चीज़ें और क्या चीज़ें आ जाती हैं।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर एग्जांपल पी का टैग लगा रहा हूँ और इसके ऊपर मैं कहता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म के, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको आईडी देते हैं, आईडी इज इक्वल्स टू पैरा, इसका आईडी पैरा है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के फंक्शन अप्लाई कर सकता, इवेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बटन की बजाय मैं कहता हूँ जी पैरा आईडी ऑन क्लिक, या हम कहते हैं जी ऑन, ठीक, ऑन डबल क्लिक, या ऑन माउस ओवर, माउस ओवर के ऊपर हेलो प्रिंट कर, हेलो करे। ये देखिए जैसे मैं माउस, अभी तक नहीं, ये माउस ओवर हुआ साथ ही हेलो प्रिंट हुआ। सो ये इसका ये इवेंट आ गया, ठीक है। ऐसे आप डबल क्लिक कोई भी इवेंट आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारा जो बेसिक जो इवेंट की है, ये इस तरह काम करते हैं। सो अब हम आगे चल के देखते हैं कुछ कीज़ के इवेंट, और फिर हम उस की थोड़ी सी एक आध असाइनमेंट भी करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी इसमें लॉजिक पीछे जावास्क्रिप्ट के अंदर देख के आ चुके हैं। तो अब हम की का इवेंट देखते हैं।